Hello and welcome. You're watching an NDTV exclusive. At a time when there's been a mass exodus of leaders leaving the Congress has actually had some new entrants. Two young faces have joined the Congress recently. One of them is the Dalit activist from Gujarat, Jignesh Mevani, who's brought his brand of radical politics into the Congress. And the other is my guest today, the firebrand former JNU student union leader, did a stint with the CBI and the CPI, by the way, not the CBI, and is now joined the Congress. Kanhaiya Kumar is here with me at the Congress office. Kanhaiya, thank you very much. Aap hamare saath jude. Abhi bhi sink in hua hai ki Kanhaiya Kumar Congress mein aa gaye hain ya abhi bhi nahi hua? मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं बाहर था, क्योंकि शायद इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ या कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है इसके लिए. मुझे लगता है देश की परिस्थिति, ऑब्जेक्टिव रियलिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अच्छा. कि छोटी 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 धाराएं मिल करके एक विचारधारा बन रही है, और मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल कांग्रेस पार्टी में पहले से था. कांग्रेस में था. हाँ. पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस ने आपको अप्रोच किया या आपने कांग्रेस को अप्रोच किया? देखिए, अगर उस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी जी, जेएनयू के आंदोलन में भी फर्मली जाकर के स्टैंड किए, और बाद के दिनों में हमने ये देखा कि अलग अलग चुनावों में लेफ्ट का और कांग्रेस का अलायंस हुआ. अभी जो रिसेंटली बंगाल का इलेक्शन हुआ है वहाँ भी लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस हुआ. लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे. अप्रोच किसने किया? आपने कांग्रेस को किया या कांग्रेस ने आपको किया? इस तरह से चीजों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है. अच्छा. मैं वही उसी के बारे में बात कर रहा था कि जैसे हम लोग जब स्टूडेंट एक्टिविज्म कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और स्वाभाविक रूप से स्टूडेंट एक्टिविज्म में सरकार का क्रिटिसिज्म होता है. फिर जब बीजेपी आई तो वही चीजें हो रही थी, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा था. लेकिन अचानक से पता चला कि नहीं, चीजें बदल गई हैं. ये जो लोग अब आए हैं दिल्ली में, दो लोगों की जो जोड़ी है, नाथुराम बनाया जोड़ी, पहले हम लोग कहते थे ना राम बनाई जोड़ी, नाथुराम बनाई जोड़ी है ये. तो ये जो जोड़ी है, कौन सी जोड़ी की आप जिक्र कर रहे हैं? अमित शाह मोदी की. राइट. हाँ. तो ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी के आने के बाद अचानक से कैंपस को ये रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल पावर ट्रांसफर नहीं है कि एक सरकार चली गई दूसरी सरकार आ गई है. अच्छा. कुछ ऐसे सोच वाले लोग हैं जिनको सवाल पसंद नहीं है. और आप तो मीडिया में हैं, इतने दिनों से हैं, आपको शायद इंटरव्यू नहीं मिला होगा मोदी जी का, देते नहीं है ना. तो सवाल पसंद नहीं है, मतलब वो जिस चीज का मजा उठा करके, लोकतंत्र का मजा उठा करके चाय बेचने का दावा करके आज देश बेच रहे हैं. मतलब चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है. लेकिन उनको ये पसंद नहीं है कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली का बच्चा जो प्रधानमंत्री से उंगली उठा करके सवाल कैसे पूछ सकता है. तो ये जो सिचुएशन था उससे हमको लगा सडनली चीजें बदल गई हैं देश में. तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में अभी भी, आपने वो क्लियर किसने अप्रोच किसको किया उस पर नहीं आए, पर चलिए. हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि ये जो विचारधारात्मक संघर्ष देश के भीतर आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के शुरू हुआ, तो जो पहले एक दूसरे के विपरीत हुआ करते थे वो उसके नजदीक आए. Okay. और आंदोलनों में, संघर्षों में, कई मुलाकातों के बाद ये महसूस हुआ कि बस के बाहर रहने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है कि जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस जितना सक्सेसफुल होगी बीजेपी को उतना बड़ा डिफीट मिलेगा. अगर किंतु परंतु लेकिन करते रहेंगे सड़क के किनारे बैठ करके, तो देश में कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है कि आप स्टैंड में बैठे हुए हैं और ताली बजा रहे हैं. आपको पिच पे जाना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन किस पिच पे और किस टीम के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें और भी खिलाड़ी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, वो सब आपको लगे सब रीजनल लेवल पे हैं. रीजनल लेवल सब रीजनल लेवल पे हैं. राइट. राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उस पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है. इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए. वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की हालत तो आप सब देख रहे हैं. सब मिल के बना रहे हैं ऐसी हालत, और इसके पीछे एकमात्र लॉजिक है सर. नहीं, अगर मुझे आपको हीरो बनाना है ना, तो मैं बहुत सारे ऐसे साइड एक्टर आपके बगल में ला करके खड़ा कर दूंगा कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी हो जाए. अगर उल्टा करना हो तो साइड एक्टर के बारे में ऐसा एड छपवाइए कि जो मेन हीरो जो है वो साइड एक्टर लगने लगे. नहीं, लेकिन इसमें आपका जो मकसद है, जो आप या मतलब है,
वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो इस वक्त हालात हैं, आप इस वक्त जुड़ रहे हैं जब आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आप सारा जो ब्लेम है वो जो छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं को देंगे, या कांग्रेस की जो लीडरशिप है जो इतने सालों महीनों से देखते आ रही है, दो दो लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार चुके, स्टेट इलेक्शन हार रहे हैं, पार्टी की लीडरशिप कहाँ है नजर नहीं आ रही है, पार्टी के लोग ही कह रहे हैं। अच्छा, इस सवाल को मैं थोड़ा पलट दूं। ये चीजें आप को सही नहीं लगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इस सवाल को मैं थोड़ा पलट देता हूँ। मैं 18 साल एक पार्टी में था, 18 years आई हैव बीन विद CPI, AISF, ओके, आई हैव लेफ्ट पार्टी, सो इट इज द फेलियर ऑफ लीडरशिप, सिंपल क्वेश्चन, इज इट द फेलियर ऑफ लीडरशिप? वो अलग है। नहीं, कैसे अलग है? वो असली अलग है। एक ही व्यक्ति से जो है, एक ही पॉलिटिकल सिचुएशन में दो अलग अलग सवाल कैसे पूछे जाएंगे? मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो अलग क्यों है, क्योंकि जो अगर CPI को देखा जाए, CPI का हमेशा एक प्रेजेंस पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा नहीं रहा है, उनका एक अलग फुटप्रिंट रहा है। ठीक है, कांग्रेस का बहुत बड़ा फुटप्रिंट होता था, नेशनल पार्टी थे, इसी में जवाब है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस हालत पे कांग्रेस आ चुकी है उससे आपको कोई डाउट या आशंका नहीं लगती कि भाई मैं ऐसे ऐसे पार्टी में अपना वो जोड़ रहा हूँ, ऐसे टीम में मैं खिलाड़ी बनने आ रहा हूँ जहाँ कोई ना लीडरशिप साफ नजर आ रही है, ना कोई दिशा विजन, कुछ नहीं? बिल्कुल मुझे कोई डाउट नहीं है, बल्कि मुझे ये लगता है, और सिर्फ मुझे नहीं लगता, मेरे जैसे बहुत सारे नौजवानों को ये लग रहा है कि देर हो रही है। जिस पार्टी के पास इस देश में फ्रीडम दिलाने की लेगेसी है ना, फ्रीडम को बचाने के लिए उस पार्टी का सबसे मजबूत होना जरूरी है। लीडरशिप पे ये क्वेश्चन पोज करके एक्चुअली लोग BJP का काम आसान कर रहे हैं। अगर आपने टीम और कैप्टन की बात की है, हालांकि मैं पॉलिटिक्स का कंपैरिजन उससे नहीं करता हूँ, मान लीजिए आपके ही एग्जांपल को ले लें, तो कैप्टन बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास बॉलर नहीं है तो कैसे विकेट मिलेगी? बॉलर है अच्छा लेकिन अच्छा फील्डर नहीं है तो कैसे विकेट मिलेगी? फिर बैटिंग करने के लिए जाए तो बैट्समैन परफॉर्म नहीं करे तो कैसे जो है उसका कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करे? नहीं, कैप्टन परफॉर्म नहीं करे ये कैसे कह रहे हैं? इसका क्या आधार है? वही मैं पूछ रहा हूं। पार्टी की खुद की आप हालत देख लीजिए, मतलब एक पार्टी जो एक वक्त देश को रूल करती थी, वो 40 MPs तक आ चुकी है। ये तो बिल्कुल साइंटिफिक और सीधा है कि BJP ने परफॉर्म किया, कांग्रेस हारी, ठीक है, आप BJP को हराना चाहते हैं तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। फिर ये हैं, वो हैं, ऐसा है, ये क्यों है? ये इसलिए ताकि इस लड़ाई को कमजोर किया जा सके। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना एक तरह से BJP को एडवांटेज देना, तो कांग्रेस की जो इस वक्त, आई बिलीव इन क्रिटिसिज्म, ओके, बट व्हाई डू यू थिंक, फिर आपकी क्या एनालिसिस है कि कांग्रेस की जो हालत हो चुकी है, देखिए उसमें किसको आप किसी को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? मेरी एनालिसिस ये है कि देश का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस पॉलिटिकल सिचुएशन में आज BJP इस देश की सत्ता पे काबिज है। BJP जैसे BJP एक पार्टी नहीं है, उसके पीछे एक सोच है, हाँ? तो कांग्रेस को भी जो उसका इतिहास है, जो उसकी विरासत है, वो पार्टी नहीं है, वो जो एक सोच है ना, उस सोच को मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। वो सोच क्या है? वो गोडसे को लेकर के चलने वाले हैं, इनको गांधी को लेकर के चलने वाले शक्ति के रूप में अपने आप को और ज्यादा मजबूत करें। BJP भी तो गांधी को लेकर कह दिया कि हम गांधी को लेकर चल रहे हैं, तो देख रहे हैं। नहीं नहीं, कहाँ लेके चल रहे हैं? शाखा में सुबह सुबह जो है गोड से जिंदाबाद बोलेंगे, और उधर बाइडेन के सामने में जाकर के गांधी जिंदाबाद करेंगे। ये तो भारत में रहने वाले लोगों को पता है कि भाजपा के लोग जो है वो गोडसे को राष्ट्रपिता मानते हैं, वो गांधी को तो राष्ट्रपिता मानते नहीं है। ये बात लोगों तक पहुंचाया जाना जरूरी है। कन्हैया, अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है, इसका मतलब कि कोई भी पार्टी फिर BJP को नहीं हरा पाती, लेकिन ऐसा नहीं है, कई पार्टियां BJP को हरा देती हैं, जैसे अभी हमने वेस्ट बंगाल में देखा। सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, ज्यादातर, ऐसा नहीं हमेशा, ज्यादातर जब कांग्रेस BJP से लड़ती है तो हार जाती है। तो इसका मतलब सारा फॉल्ट ये नहीं है कि देश की राजनीति बदल गई है, कुछ तो फॉल्ट जाता है कि कांग्रेस में भी कोई प्रॉब्लम है। देश की राजनीति बदली है, वो कहां बदली है मैं वो बताता हूं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि तब भी लोग BJP को चैलेंज कर सकते हैं और हरा भी सकते हैं, एक्सेप्ट लार्जली कांग्रेस। देखिए, वो देश की राजनीति बदली है, ये पहली बात हम लोगों को मानना पड़ेगा। सेंटर टू लेफ्ट से देश की राजनीति सेंटर टू राइट हुई है, पहली बात हम ये माने। तो कांग्रेस जब पावर में थी और पॉलिटिक्स जो है वो सेंटर टू लेफ्ट था, तो उसके अपोजिशन में लेफ्ट था, तो देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स कुछ और था। आज जो है कांग्रेस अपोजिशन में है और राइट विंग हेजेमनी है, और राइट विंग पार्टी जो है देश की शासन में है, तो जो लोग
चुनाव जीत रहे हैं, मैं आपसे समझने के लिए पूछ रहा हूँ, क्या वो उस हेजमनी को ब्रेक करके जीत रहे हैं या उसी में अपना स्पेस क्रिएट कर रहे हैं? ये ईमानदारी से हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इलेक्टोरल नंबर में फंसेंगे तब हम बीजेपी को कभी नहीं हरा सकते हैं। और मैं आपकी बात मानने के लिए स्वीकार करता हूँ कि इलेक्टोरल नंबर में कांग्रेस हारी है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के आ जाने के बाद ना इसका आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग स्ट्रांग हुआ है। ओके, सिर्फ आइडियोलॉजी आई फील इज नॉट जस्ट आइडियोलॉजी, गवर्नेंस है, करप्शन है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स देश का एक तरह से सेंटर लेफ्ट से सेंटर राइट ऑलमोस्ट फार राइट हो गया है, उस वक्त ये कहा जा रहा है कि एक लेफ्ट ऑलमोस्ट हार्ड लेफ्ट के किसी लीडर को लेना क्या कांग्रेस के लिए उचित है? आपने देखा होगा कांग्रेस के खुद मनीष तिवारी जैसे लेता है, वो कह रहे हैं कि भाई क्या हम इस किस्म के, अब हम इतने हार्ड लेफ्टिस्ट को लेंगे हमारी पार्टी में ऐसे टाइम पे? नहीं, ये तो अनावश्यक आरोप है। मैं तो उस पार्टी का मेंबर रहा हूँ जो पार्टी श्रीमती इंदिरा गांधी से अलायंस की है। मैं तो उस पार्टी का मेंबर रहा हूँ कि जो पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के साथ अलायंस करके कांग्रेस के खिलाफ जो है लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाई थी। सीपीआई का इतिहास बहुत पुराना है। सीपीआई के साथ वो जो आजकल भाजपा वो टैग चलाती है ना ट्विटर पे अलग अलग, वो टैग है नहीं क्योंकि देश की पहली अपोजिशन पार्टी है सीपीआई। तो इसने भी अपने लगभग 100 साल की राजनीतिक यात्रा में 2025 में जो उनके भाजपा नहीं कह रही है तो मनीष तिवारी जैसे नेता खुद थोड़े से वरिड है। ये कांग्रेस की खूबसूरती है कि एक ही पार्टी में जो है दो सीनियर लीडर जो है वो अलग अलग विचार रखते हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट अगर कोई पार्टी कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। दूसरा, आपको वरी नहीं है कि आपने देखा होगा ऑलरेडी और ये सवाल आपसे कई बार लोगों ने पूछ भी लिया होगा कि आप आए हैं तो वो पूरा जेएनयू केस, वो सारा टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सारे आरोप अब नहीं आएंगे? आप कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने उसमें पार्टी में ले लिया है? नहीं नहीं नहीं, ये सवाल में ना अब कोई ट्रैक्शन नहीं बचा है। आज तो जी न्यूज आया था हमारा बाइट लेने के लिए, सुदर्शन टीवी आया था, तो हम डेमोक्रेटिक आदमी हैं, उनको भी बाइट दे दिए, भले जो है मोदी जी एनडीटीवी को बाइट नहीं देते हों, तो उसमें अब कोई ना ट्रैक्शन नहीं बचा है। इसलिए ट्रैक्शन नहीं बचा है क्योंकि मैं ना इससे भाग नहीं रहा हूँ, मैंने इसको ओन कर लिया है। आरोप किसका है? श्रीवास जी का तो नहीं है। आरोप किसका है? भाजपा का है। हाँ हूँ टुकड़ा टुकड़ा, किसका टुकड़ा टुकड़ा करूंगा? तुम आरोप लगा रहे हो ना, तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा और तुम देश नहीं हो। भाजपा कह रही है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, भाजपा के लिए टुकड़ा टुकड़ा है, भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। नहीं नहीं, बट कन्हैया केस तो अभी है, चार्जशीट है, चार्जशीट है, चल रहा है, वो जो है चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस देश में सच को सच न्यायालय में साबित करने में वक्त लगता है। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरी दाढ़ी थोड़ी अभी सफेद हुई है, मोदी जी की हुई है, हमको तो उम्र है, वो आ जाएगा। आपको ये नहीं लगता? 6 साल हुए हैं, 6 साल नहीं, 10 साल में, 16 साल में वो साबित हो जाएगा कि हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो बात कहीं बोली जाएगी उसके समर्थक हम न कभी थे न रहेंगे, तो साबित हो जाएगा। लेकिन उसके चलते, भाजपा के आरोप के चलते हम अपनी लड़ाई रोक देंगे, ये संभव नहीं है। हम डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होकर के इस सवाल को लेंगे और ऑफेंसिव होकर के लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि जब टुकड़े टुकड़े का आरोप लगाया जाता है, आप कहते हो कि हम आपका हैं, आप देश का नहीं, भाजपा का करेंगे, राइट, क्लियर कट एकदम। और सरगना अगर कहा जाएगा तो मुझे खुशी होगी और मुझे गर्व होगा कि भाजपा मुझे टुकड़ा टुकड़ा का सरगना कहती है और भाजपा का हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। कांग्रेस की आपने बात की कि जो उसकी हालत है वो पॉलिटिक्स के शिफ्ट के वजह से हुआ है, लीडरशिप का जो सवाल है उसको आपने एक तरह से कहा, नकार दिया। लेकिन राहुल गांधी पे जो कहा जाता है कि काफ़ी कुछ जो हो रहा है कांग्रेस में वो उनकी वजह से हो रहा है, कि वो लीडर हैं भी नहीं भी हैं, ये खुद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। आप राहुल गांधी से मिले, कई बार शायद मिले होंगे, देखिए क्या आपको आपको क्या लगे राहुल गांधी? आपको लगे कि वो वाकई उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज है, विजन है? देखिए, सिर्फ ये मुझे ही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि आज के डेट में हमारे जैसे बहुत सारे जो नौजवान हैं ना, वो जब राहुल गांधी को देखते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, इनकी लड़ाई में ईमानदारी है। और ये सत्ता, ये वो तो नौजवान नहीं है जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं होती।
ये बात मैंने कह दिया, दो पक्ष है, एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, दूसरा जो है इलेक्टोरल पक्ष है। इलेक्टोरल पक्ष में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर रही, एक सच्चाई है। हम लोगों का जो आकर्षण है और जिससे आकर्षित होकर के आए हैं, और जो नौजवान जो दुविधा में थे उनकी दुविधाएं खत्म होती हुई नजर आ रही है। नौजवानों के बारे में नहीं पूछा, आपके बारे में, आपका राहुल, आपका कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? हम राहुल गांधी जी के बारे में ये सोचते हैं कि वो एक ईमानदार निडर व्यक्ति हैं, उनकी लड़ाई में सच्चाई है, और उस लड़ाई जो जिसको हम लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग जगह लड़ रहे हैं ना, उसको इकट्ठा करने की, एकजुट करने की जरूरत है। जब आप उनसे मिले तो उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा जो आपको लगा कि भाई दिस इज द पार्टी फॉर मी? क्या कहा राहुल गांधी ने? जिस भी पार्टी के नेता से मिलते थे तो हर कोई ना कुछ ऑफर करता है, टेंजिबल ऑफर जिसको आप कहते हैं, हमारी पार्टी में आ जाओ तुमको ये दे देंगे, ठीक है ना। हमको लगता है कि राहुल जी लोगों से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जुड़ते हैं। कैसे हो राहुल जी ने क्या माता जी कैसी हैं, ठीक है। जब पिताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने फोन किया कि कोई बात नहीं है, हम लोग साथ हैं। तो हमारे जैसे व्यक्ति के लिए ये आकर्षण का पॉइंट होता है, राज्यसभा ले लो, इधर आ जाओ, अध्यक्ष बना देंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर लोगों को कैरियर दिख रहा है ना, तो वो लोग भाजपा में जा रहे हैं अपना कैरियर संभालने के लिए। तो राहुल जी का नौजवानों को आगे बढ़ाने का जो जज्बा है, और उनसे वो जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जुड़ते हैं, हम लोगों को तो वो आकर्षित करता है, और वही चीज आकर्षित किया है। और मंच पे बतौर नेता जो हमने आपको कहा, ईमानदारी, प्रतिबद्धता और साहस, ये हम लोगों को आकर्षित, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है कन्हैया। लेकिन एंड ऑफ द डे आप एक एनजीओ तो नहीं चला रहे हैं, आप पॉलिटिक्स के खेल में हैं, आपको चुनाव लड़ने हैं, जीतने हैं। वो जो एक है कांग्रेस में, इसी पे एक सवाल है। लेकिन चलिए, आप अभी अभी आए हैं, देखते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये कहा जा रहा है कि आप बिहार जाएंगे और वहां पे फिर और एक तरह से टेंशन हो जाएगा कांग्रेस और आरजेडी के बीच। क्यों टेंशन हो जाएगा, मतलब क्या आधार है इसका? कि यही है कि अब तेजस्वी आपको शायद देख के सोचेंगे कि भाई अब एक शायद मेरे लिए थ्रेट आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ये अगर, एक तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा क्यों सोचेंगे, ठीक है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि अगर हम भाजपा में चले जाते, जेडीयू में चले जाते, तब तो समझ में आता नहीं है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस हमेशा आरजेडी का जूनियर पार्टनर रह चुका है बिहार में। तो मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना अपने सवालों से कि हम एनजीओ नहीं ज्वाइन किए हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं? अगर आपके इस दोनों सवाल को समझ लें तो ये सवाल कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं, मैं एनजीओ की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि आप वही सिर्फ क्वालिटीज गिना रहे थे जो एक तरह से एक अलग, एक समाज सेवक काइंड ऑफ, समाज सेवा वाले संस्था में होते हैं। ये हमारे जैसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए मायने रखता है ना, आपके इस दोनों सवाल को हम जोड़ देते हैं। तो राहुल जी ह्यूमैनिटेरियन चीजों को वैल्यू करते हैं, कांग्रेस पार्टी में लेके आए हैं, और आपका अनुमान है, आपका अनुमान है कि वो बड़ी जिम्मेवारी भी देंगे, तो तेजस्वी जी जो है वो थ्रेटन फील कर रहे हैं, तो उनके पास भी एक पार्टी है। ये ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज जो है वो बाकी जगह पर भी होना चाहिए। देखिए, हम ना बड़ा अस्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं, साफ साफ बोलते हैं। आप सवाल साफ पूछिए, हम जवाब साफ देंगे। आपका तेजस्वी के साथ क्या इक्वेशन है? मेरा तेजस्वी के साथ क्या इक्वेशन है, ये बिहार की पॉलिटिक्स के लिए इरेलीवेंट है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का आरजेडी के साथ क्या इक्वेशन है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। और हमारा कांग्रेस के लीडरशिप के साथ क्या इक्वेशन है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर हमारा कांग्रेस पार्टी के लीडर के साथ अच्छा इसकी इक्वेशन है, और अभी कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ अलायंस में है। ओके, बट अगर आप एक हार्डकोर पॉलिटिकल तौर पे देखा जाए, हाल में हमारे पास बिहार इलेक्शन का एग्जाम्पल है, वहां पे जो आरजेडी आपकी जो कांग्रेस की फ्रंट थी, उसमें सबसे वर्स्ट स्ट्राइक रेट कांग्रेस की थी, ये आप मानेंगे। आरजेडी का भी अच्छा था, लेफ्ट का भी अच्छा था, बिल्कुल, कांग्रेस का सबसे खराब था, बिल्कुल। इससे तो साफ, इससे क्या आप, इससे साफ दिखता ये बात आपको दिख रही है? तो आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप अपनी पत्रकारिता के बदौलत जो है देश की जो देश के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये आपका रोल है। हम पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिकल रोल मेरा है। तो वो जो 73 सीट्स है उस पे कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट ज्यादा हो, यही मेरी जिम्मेवारी है। बार बार उसका एनालिसिस क्या मानेंगे कि कांग्रेस, व्हाई वाज द कांग्रेस द वर्स्ट परफॉर्मिंग पार्टी? बिकॉज आप अगर कह रहे हैं कि एक आइडियोलॉजिकल, तो बाकी सबका खराब रहता, आरजेडी का अच्छा था, लेफ्ट का अच्छा था, कांग्रेस का ही सबसे खराब क्यों था? अब देखिए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, क्योंकि उस पे अब बात करने से सीट तो बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं, कुछ लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ
कि नंबर किसी को देना और सीट कौन सा मिल रहा है उससे रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। ठीक है, आप 73 का बाइफर्केशन करके देखिए, उसको एनालाइज करके देखिए कि उस 73 सीट्स में से कितने ऐसे सीट हैं जिसपे लास्ट टाइम अपोजिशन कब जीता है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ मैं एक बस आपके ना एग्जांपल कह रहे हो कि कांग्रेस को सबसे बेकार मतलब वर्स्ट उनको सबसे टफेस्ट सीट्स मिले। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टफेस्ट सीट्स क्या होता है। हम कह रहे हैं कि हमारी जो राजनीतिक स्थिति है बिहार में और जो हमको सीट मिला है उसमें तालमेल नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से वो और सीट के तुलना में जो है मुश्किल सीट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपने बेगूसराय का आपको देता हूँ। हमारे यहाँ पे 7 सीट है, 7 सीट में से जो है 3 सीट वो सीपीआई को मिला। ठीक है, उसमें से 3 सीट जो है 2 सीट जो है वो इसको मिला, आरजेडी को मिला, और 2 सीट जो है वो कांग्रेस, 1 सीट सीपीएम को मिला और 1 सीट जो है सीट कांग्रेस को मिला। इस तरीके से बाइफर्केशन है, 3 सीपीआई को मिला, 2 आरजेडी को मिला, 5 1 कांग्रेस को मिला और 1 जो है सीपीएम को मिला। सीपीएम सीट जो है अपना 350 के आसपास से वोट से हारी, सीपीआई 3 में से 2 सीट जीती, 1 सीट हार गई। तो वो जो 2 सीट था जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पे जेडीयू के कैंडिडेट थे और हम 50,000 प्लस के मार्जिन से जीते हैं, लेकिन दूसरा सीट जो था वो बीजेपी के सामने थी जहां हम 1100 वोट से जीते। एक ही जिले में एक ही पार्टी एक ही महागठबंधन का रिजल्ट इतना डिफर क्यों करता है? तो कुछ ग्राउंड पे भी चीजें होती हैं, लेकिन अब दिल्ली में लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि कांग्रेस की वजह से जो है हार हो गई, ये पूरी सच्चाई नहीं। क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि ये कहा गया है कि आप जाएंगे थोड़ा कांग्रेस को बिहार में स्ट्रेंथन करेंगे, ये भी एक आइडिया होगा कांग्रेस के सोच के पीछे और आपके सोच के पीछे। तो ये कहा जा रहा है कि भाई कन्हैया जो अपना सीट नहीं जीत पाए बिहार में, वो कैसे कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, हम अपना सीट नहीं जीत पाए और मेरे लड़ने की वजह से जो है आरजेडी कांग्रेस के कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, इस बात का मुझे अफसोस है। मुझे लगता है कि ये जो 19 की वस्तु स्थिति थी, अगर वो ऐसे नहीं होती तो गिरिराज सिंह जैसे योग्य व्यक्ति, धुरंधर व्यक्ति, ठीक है, जो जो अलग अलग मंत्रालय में जा करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो देश ये जो है गणमान्य महापुरुष के क्षमताओं से परिचित नहीं हो पाता, तो ये भी जो है लोग देख पा रहे हैं, उसको देखने दीजिए। मुझे ना सच बोलने का आप यूं कह लीजिए कि आदत भी है और कुछ लोगों को बीमारी भी लगता है। अपनी सीट नहीं बचा पाए, कैसे नहीं बचा पाए उस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कौन कौन जो है किनकी जमानत बची किनकी जमानत नहीं बची मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। भाजपा इतने ज्यादा सीट से नंबर से जीत गई मैं इस पर भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यार। आगे आगे की तरह देखते हैं। दो मेरा लास्ट सवाल है, एक तो मैंने जब आपने कहा कि कांग्रेस का एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से नुकसान हुआ है, मैं दूसरा आपसे पूछना चाहता था। एक वजह सिर्फ आइडियोलॉजिकल तो थी, लेकिन साथ साथ ये भी था कि कांग्रेस को एक करप्ट पार्टी माना जाता था। कांग्रेस के वक्त बहुत सारे स्कैम हुए, आप जैसे बहुत सारे युवा नेता उसके खिलाफ बोले भी, आंदोलन भी हुआ, और वो अभी भी एक पुरानी हर पुरानी पार्टी में एक वो लेगेसी रहता है, वो आपके लिए एक चिंताजनक बात नहीं है? लेगेसी तो रहती है। अब मुझे भारत में जो है लोग स्टालिन का न्याय करने के लिए कहते थे, माओ का न्याय करने के लिए कहते थे, तो मैं कहता था करप्शन तो एक अभी भी इशू है, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं। आज दोनों बोल देते हैं, दोनों अभी 2 ही दिन हुआ है उसको छोड़े हुए, ब्रेकअप बहुत पुराना नहीं है, तो लोग मुझसे स्टालिन का हिसाब मांगते, तो मैं कहता स्टालिन मेरा फूफा है कि मैं उसके बारे में बोलूं। तो जो चीज़ें होती हैं जब आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं उसका जो लेगेसी होता है, उसके अगर मान लीजिए कोई बैगेज हैं तो उससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे जैसा नौजवान अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है तो वो फ्यूचर की तरफ देखेगा, वो आगे की तरफ देखेगा, पीछे का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पीछे के प्रॉब्लम के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, उस पर लीडरशिप ने अपना पोजीशन ले लिया है, ठीक है। जो लोग यहाँ करप्ट कहे जाते थे वो भाजपा में जाते ही एकदम निर्मा सुपर पावर से धूल गए। अलग बात है, लेकिन करप्शन तो है, मतलब उसमें करप्शन का एक प्रॉब्लम तो है। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है मुझे बताइए।
भाजपा में करप्शन नहीं है? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री का जन्म करप्शन बंद हो गया। पार्टियों से आते हैं, वहाँ माना जाता है कि उस किस्म का करप्शन जो जुड़ा जाता है कांग्रेस की तरह और भाजपा अगर पार्टी, वो वैसा नहीं है। ठीक है, देखिए ये सब तुलना का कोई मतलब है? ये सांप का बच्चा है, इसके अंदर कम विष होता है, ये बड़ा सांप है, ज्यादा विष। अच्छा लास्ट सवाल मुझे बताइए, आप एक सवाल का मुझे भी जवाब दीजिए। आप चलिए दिल्ली घूमते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ करप्शन होता है अपनी आंखों से देखते हैं, तो क्या बदल गया? शीला जी थी, अब जो है केजरीवाल जी आ गए, या कहीं चले जाइए, चलते हैं केरल, केरल चलते हैं, ठीक है सर। करप्शन जो है ना, वो इस सिस्टम में है, वो आपको करप्ट होने के लिए सिखाता है, करप्ट होने होना आपको बनाता है। करप्शन के कोर पे हम बहस नहीं करते, इस पे कभी बाकी बहस करेंगे। मुझे, मैं उस व्यू से थोड़ा सा, मेरा अलग व्यू है, बट आखिरी मेरा सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि एक आइडियलिज्म और जो भी है कांग्रेस में, जो आप कह रहे हैं सारे ये क्वालिटीज हैं, एट द एंड ऑफ द डे क्या जिस तरह से आप मोदी और अमित शाह की इस वक्त की बीजेपी को देख रहे हैं, क्या इनको पॉलिटिकली हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। देखिए लोकसभा के चुनाव पे उस लेवल पे यू थिंक दे कैन बी डिफीटेड? यस, ये देखिए, अगर ये मुझे नहीं लगता कि उसको हराया नहीं जा सकता तो लड़ाई ही छोड़ दिए होते। हमको लगता है कि हराया जा सकता है, कैसे? संक्षेप में, क्योंकि उस पे तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा लगेगा। उस पर बस हम एक दो बात कहना चाहते हैं कि जैसे करप्शन को ही आपने कहा, तो करप्शन को जो कांग्रेस की विरोध करने वाली पार्टियां थे उसने मुद्दा बनाया, ठीक है। अन्ना जी तो जिंदा ही हैं, उस आंदोलन में शामिल होने वाले भी सब जिंदा हैं, करप्शन भी बंद नहीं हुआ है लेकिन आंदोलन नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, होंगे, लेकिन पीएम केयर फंड का हिसाब मांगा तो सरकार ने देने से मना कर दिया, ठीक है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत परफॉर्मिंग है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लीडरशिप में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे तैयार हो रहा है? चौथा सवाल, जब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टी जो हम बेच देते हैं, आप अपना प्रॉपर्टी कब बेचते हैं? जब आप क्राइसिस में होते हैं, तो आप मानिए कि आपके लीडरशिप में देश में क्राइसिस में हुआ है, तो आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तब जब आपके पिताजी अस्पताल में हो, तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अपने लिए बुलेट खरीदेंगे? जब देश में इतना क्राइसिस हो है, तो 20,000 करोड़ में जो आप सेंट्रल विस्टा क्यों बना रहे हैं, 8,500 करोड़ का आप विमान क्यों खरीद के ला रहे हैं? ये सवाल हैं जो आपने करप्शन का सवाल पूछा। मैं बीजेपी को हराने की बात कर रहा हूँ, ये सब आप सवाल उठा सकते हैं, लेजिटिमेटली ऑपोजिशन उठाता भी है, इन्हीं सवाल पे हारेंगे वो, बट दैट डजंट सीम टू बी हर्टिंग देयर पॉलिटिकल। देखिए ये तो आप तब तक तो आप कहिएगा ना सर कि अरे आप नहीं जीत रहे हैं। जिस दिन हम जीत जाएंगे उस दिन आप ही कहिएगा आपको जीत की बधाई है, और फिर जो है हम लोग जीतने पे इंटरव्यू देंगे। हम स्वीकार कर रहे हैं, नंबर उनके पक्ष में है, लेकिन देश की जो मौजूदा परिस्थिति है, जो हालात हैं, वो उसके पक्ष में नहीं है। और इसमें मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका आपका मतलब प्रोफेशन है उससे शिकायत है। शिकायत इसलिए है कि अगर वो सच दिखा रहे होते ना, प्रधानमंत्री से अगर ये नहीं पूछा जाता ना कि हम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो शायद देश की स्थिति अलग होती। क्योंकि मैं भी नौजवानों के बीच में घूमता हूँ, लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान 9 महीने से बैठा हुआ है। बिहार से मैं आता हूँ, पलायन लगातार सरकार में है बीजेपी, 20 साल से पलायन नहीं रुका है। आप किसी भी इलाके में कोई मुद्दा उठा करके देख लीजिए, जिस मुद्दा पे कांग्रेस की आलोचना की जाती थी, वो मुद्दा आज वर्स्ट सिचुएशन में है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि इससे जो है सरकार से सवाल पूछ ले। देखिए, देखते हैं कन्हैया कैसा होता है। आप अभी अभी एंटर किए हैं, आपसे और भी बातचीत करने का मौका होगा। और एक ही बात कह देते हैं, देखिए हम न पहले हैं न आखिरी हैं। यह परंपरा जो है ना, सवाल पूछने की, जवाब मांगने की, ये कायम रहे। आप भी रहें, हम भी रहें, हमारे से पहले भी देश था, हमारे बाद भी देश रहे। जरूर, थैंक यू सो मच इंडीड कन्हैया फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक्स वेरी मच।